आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 11.1 के चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हमने तीनों क्वेश्चन करा दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, मतलब आधार ले लेना है 8 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर की। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है। सबसे पहले आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है। उसके बाद कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 में, यानी 1:1/2, यानी कि 2 × 2 और 1 3/2 गुनी हो, यानी 3/2 हो। तो जब ऊपर का संख्या बड़ा होता है तो बनने वाला नया त्रिभुज बड़ा बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। और नहीं भी हो तो जान जाइएगा कि जब ऊपर का संख्या बड़ा हो तो जो अब त्रिभुज बनेगा ना वो बड़ा बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहे कि आधार 8 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार लेंगे 8 सेंटीमीटर का, जो बोला है वहीं वहीं करना है हमको। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का आधार लेना है, तो 8 सेंटीमीटर का पार लीजिए, यहाँ से यहाँ पर रखेंगे स्केल को और 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा 8 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। ठीक, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन हो गया। इसका हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, हम इसका नाम BC दे दे रहे हैं, ठीक ना, इसका नाम हो गया BC। उसके बाद बोला है 8 सेंटीमीटर का तो आधार हो गया, करेक्ट ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई कितना हो 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे ही कोई ये ना सोचे कि हम यहाँ पे इसे लेके 4 सेंटीमीटर पार देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज भी बनाना है। तो ऊंचाई प्राप्त करने के लिए 4 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे कि ऊंचाई कोई भी आप जैसे कि ये नॉर्मली फिगर मान लीजिए, यहाँ पे कोई भी ये ट्राइंगल है, इसका ऊंचाई कहाँ से नापा जाता है, इसके बीच वाले भाग से इसको मिलाया जाता है तब ना ऊंचाई होता है। यानी कि हम पहले पता करेंगे इस लाइन का बीच वाला भाग कौन है और तब वहाँ से हम 4 सेंटीमीटर लंबा लाइन ले लेंगे, यानी 90 डिग्री बनाते हुए, कितना बनाते हुए 90 डिग्री बनाएंगे तब सीधा होगा, नहीं तो कोई ऐसे लाइन पड़ेगा और उसका ऐसे तिरछा भी हो जाएगा, कहेगा कि ऊंचाई है तो ये गलत हो जाएगा। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लाइन है इसका बीच पॉइंट खोजेंगे कि बीच पॉइंट कहाँ है, बीच पॉइंट मिल जाएगा वहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री या 90 डिग्री ना करके नीचे ऊपर भी कट करके हम बना लेंगे, तो 90 डिग्री वाला थोड़ा आसान पड़ जाएगा। 90 डिग्री बना के यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, इसके लिए आपको इसको ले लेना है, आपका ये नॉर्मल होता होगा, ये ITI क्लास का है, सब बनाने वाला, तो मेरे पास यही है तो इसी से हम बना दे रहे हैं। इसके लिए आपको करना है इस लाइन को आधा करना है, लाइन को आधा, लाइन को आधा करने के लिए इसके इसका मुंह का साइज, इसको जो भी आप बोलिए, इसका साइज जो होगा ना, इसका ये आधा से बड़ा होना चाहिए, लाइन से आधा से बड़ा। देखिए ये आधा से बड़ा हो गया हमारा ये वाला, और उसकी सहायता से क्या करेंगे, इसको इधर से कट लगाएंगे, एक इधर से कट लगाएंगे हल्का ऐसे, फिर यहाँ से कट लगाएंगे और इधर नीचे भी थोड़ा सा कट ले लीजिएगा, क्योंकि 90 डिग्री बनाना ही नहीं पड़ेगा हमको, अब सीधे मिल जाएगा। अगर नीचे भी हम कट ले लेंगे तो हमको 90 डिग्री नहीं बनाना पड़ेगा, हमको सीधे लंब मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा कट हो गया और अभी दोनों कट आपको दिख रहा होगा, इसमें रेड कलर से थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। अभी दोनों कट जहाँ पे मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे पेन रखेंगे इस कटान पे और वहाँ पे जहाँ कट किया है, और इन दोनों को लेकर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे इसका नाम क्या दे देंगे, इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपने अनुसार, कुछ भी। पहले यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए और इसके बाद यहाँ से 4 सेंटीमीटर नापने को कह रहा है, तो 4 सेंटीमीटर ऊपर की ओर एक रेखा ले लेंगे। तो हमारा थोड़ा सा ऊपर गया है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है और इसके ऊपर थोड़ा सा गया है, तो इसको हम यहाँ पे एक डॉट देंगे और उसका नाम क्या देंगे हम, ए, और उस डॉट को दोनों तरफ मिलाएंगे इधर से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए जो मिलाए हैं उसकी ऊंचाई देख लीजिए, यहाँ से कितनी हो गई, ऊंचाई हो गई 4, और दोनों भुजा बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज बनना चाहिए तो बनेगा, उसको नाप के दिखा दे रहे हैं आपको। ये देखिए 5.5 के बाद, देखिए पांचवी लाइन के बाद 1 और 2 गया है आगे, इधर में भी दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ भी सेम वही कंडीशन है कि 5 के बाद 1 और 2 लाइन आ गया है, तो मतलब इस समद्विबाहु त्रिभुज हमारा बन के रेडी है, मतलब जो बोल रहा था उतना हमने कर दिया है। तो ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। हमने यहाँ पे देखिए एक लाइन खींचा था, उसके बाद इस लाइन को आधा करने के लिए ऊपर कट लगाया, नीचे कट लगाया, दोनों पॉइंट से ऊपर एक कट लगाया, नीचे भी एक कट लगाया, दोनों कट जहाँ पे मिला वहाँ से एक लाइन लेते हुए यहाँ पे एक
पॉइंट प्राप्त कर लिया, और उस पॉइंट का हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। इस यहाँ पे नाम मत दीजिए, नाम क्या देना है यहाँ पे हो गया। और ये हमारा लंब के लिए हो गया, अब इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो गई, जो कि जैसा कि बुक में बोल रहा था 4 सेंटीमीटर करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉइंट से ऊपर मेरा लंबाई गया है तो ऊपर से ले लिए हैं। ऊपर जाएगा भी, जरूरी थोड़ी जहाँ कटेगा वहीं होगा। तो ये हमारा अभी तक त्रिभुज बना। अब आगे इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं एक इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/2 गुनी, इसको हम चेंज कर लिए हैं, 1/2 को लिख सकते हैं 3/2 गुनी हो। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, 3/2 गुनी यही कह रहा है ना। तो हम इसमें बड़ा खोजते हैं कि बड़ा कौन है, तो बड़ा 3 है, बड़ा 3 है। तो इसके लिए भी इसको आप जानते हैं कि यहाँ बी से होते हुए क्या करना पड़ता है, हमको नीचे की ओर एक तिरछा लाइन खींचना होता है। तो यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए आप भी, यहाँ तक खींच लेंगे और इसका नाम दे देंगे, कुछ भी दिख रहा होगा फिगर में, इसको नाम दे देंगे एक्स। ठीक, इतना हो गया। और ये हमारा जो लाइन है इसको कितने भागों में बांटेंगे, 3 भाग में, जो बड़ा होता है उतने भागों में इसको बांटना होता है। तो इसका साइज आप अपने अनुसार इसको बड़ा छोटा कुछ भी कर लीजिएगा, हम इतना ले ले रहे हैं कि ज़्यादा आगे ना जाए। और यहाँ से इसको 3 भागों में बांटेंगे, इस वाली लाइन को जो हमने लाइन पारा है उसको 3 भागों में बांटना है। यहाँ से एक, आगे जाएंगे 2 और 3। आप इतना बड़ा भी नहीं ले सकते हैं लाइन, छोटा भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं, कितना ही बड़ा लाइन लीजिए अपने मन के अनुसार कुछ भी पार देना है। इसमें 3 भागों में बांट गया। उसके बाद क्या किया जाता है, जो नीचे होता है, जो नीचे मतलब जितना गुना गुनी दिया रहता है उसमें जो नीचे होता है उसको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। जो नीचे रहेगा, 2 है नीचे ना, इसको पर नाम दीजिए कि B1 B2 और इसको B3, यानी कि अब किसको मिलाएंगे, B2 को, जो नीचे रहता है उसको किससे मिलाएंगे, B2 को C से मिला देंगे। तो B2 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है, यहाँ पर लेके और ये C से इसको मिला देंगे, ऐसे B2 को C से मिला देंगे। अब E जितना मिल गया, अब इसी के समानांतर एक रेखा यहाँ से खींची जाएगी, जैसा कि सब पिछले क्वेश्चन में भी हम बताए थे, ये मिल गया, इसके समानांतर एक रेखा ऐसे खींचेंगे और इसके समानांतर एक रेखा ऐसे खींचेंगे और इस प्रकार ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से समानांतर खींचेंगे तो इस लाइन को कुछ बढ़ाना पड़ेगा, तो हम पहले ही बढ़ा लेते हैं। ठीक, इसको यहाँ से स्केल की सहायता से आगे भी इस लाइन को बढ़ा लेंगे, उसमें क्या है, इसका नाम दे देंगे, इसका नाम आगे बढ़ा के इसका नाम हम कुछ भी रख देंगे, पी रख लीजिए आप लोग, यहाँ पी रख दे रहे हैं, या इसको बढ़ा के क्यू रख देंगे, इसको बढ़ा के आगे की और इसको भी बढ़ा के इसका नाम क्यू रख देंगे। एक रेखा पी हो गई और एक रेखा क्यू हो गई, बढ़ाई गई रेखा है जो बढ़ा है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके समानांतर यहाँ पे पारेंगे B3 पर, B2 C के समानांतर यहाँ पे एक लाइन पारेंगे, तभी नया त्रिभुज बनेगा इसे। तो देखिए इसको समानांतर पारने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, पैरेलल लाइन पारने के लिए सिर्फ इसका काम है, बाकी तो ऐसे कोई नहीं सोच सकता है कि बिना नापे कोई कहे कि हम ऐसे समानांतर ऐसे पार लेंगे तो गलत होगा, ऐसे नहीं पार सकते हैं आप, उसके लिए कुछ दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को। तो ये है आपका, इसी की सहायता से पारेंगे। तो इसको आप कुछ भी साइज, अभी कुछ भी इसका साइज ले लीजिए, छोटा बड़ा इतना साइज लेकर यहाँ पे एक चाप लगा लीजिए इस पॉइंट पे, B2 पे देखिए कहाँ रख रहे हैं, B2 पे रख के एक चाप लगा लेना है ऐसे, यहाँ तक इतना हो गया। अभी इसका हिलना नहीं चाहिए साइज, जितना साइज है उतना ही साइज B3 पे रखेंगे और B3 से भी एक चाप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। इतना हो गया, B3 से भी हमारा एक चाप हो गया। अब क्या करेंगे कि जो B2 से लिए थे, B2 का यहाँ पर टच किया है और इसका वहाँ पे इस लाइन को वहाँ पे टच किया, तो इसकी साइज नापेंगे कितना इसका साइज है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो देखिए इतना ही साइज है, देखिए इतना साइज है, उस साइज से इतना साइज लेकर, मतलब यहाँ से B2 पे जो हुआ था उसका साइज हमने नाप लिया कितना आ रहा है, तब B3 पे भी उतना ही होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे B3 का है यहाँ से इस लाइन को हम कट करेंगे। ठीक, कट हो गया, अब इसको मिला देंगे जहाँ पे ये कट हुआ है, देखिए ये वाला लाइन एक यहाँ पे दोनों क्रॉस हुआ है, तो इसको कहाँ से मिलाएंगे, B3 से मिला देंगे, जहाँ भी मिल जाए इसको लेते हुए इसे यहाँ से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये दिख नहीं रहा होगा रेड पेन, अगला चेंज कर देंगे हम अगले क्वेश्चन में, इसमें केवल देख लीजिए यहाँ से लेकर ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, बहुत बड़ा बन गया, भयानक बन गया है। तो इतना हो गया इधर, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी हो आगे जाएगा तो वैसा ही रहेगा। यहाँ से ये थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, यहाँ पे टच किया, इसका नाम क्या रख देंगे हम, इसका नाम रख देंगे C डैश रख दीजिएगा, एक पैरेलल लाइन मिल गया ना,
थोड़ा सा दिक्कत हो गया है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इतना मतलब इसके समानांतर यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से एक इसके समानांतर खींचेंगे, यहाँ पे इसके इसको एक कोण बना लीजिएगा, जैसा काम यहाँ पे किए हैं वही काम यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ से लेके एक ऐसे हो गया, यहाँ पे भी क्या करेंगे वैसे ही करेंगे, यहाँ से लेकर ऐसे। अब इसकी साइज नापेंगे कितना है, तो यहाँ से इतना देखिए इतना है इसका, तो यहाँ पे भी उसका साइज उतना ही कर लेंगे, ठीक। और अब इन दोनों को भी मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, पैरेलल है ये, मत देखिए कि फिगर कैसा बन गया। हम ये लाइन छोटा छोटा लिए थे, गैपिंग छोटा छोटा लिए थे, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बड़ा बड़ा बन गया। अगर गैपिंग बड़ा बड़ा होता तो ये वाला छोटा बनता, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे नाम दे दीजिएगा ए डैश, ये बिल्कुल प्रोसेस सेम है। अभी इसका हमने एक दूसरा फिगर बना कर रखा है, उसको दिखा दे रहे हैं। अभी आपको लग रहा है कि कोई सटपटा फिगर हो गया, ये सही है, कोई इसे गलत काट ही नहीं सकता है, क्योंकि बस इन दोनों के भुजाओं का अनुपात देखना होता है कि 3:2 हो, तो जितना ई है इसका 3:2 बड़ा वाला हो गया, ठीक। ये गलत नहीं है, कोई इसको गलत नहीं काट सकता है, गलत बेसिक सही कहाँ होता है। ये लाइन हो गया जो हमें नीचे पा रहे हैं, अगर इसका हम गैपिंग बड़ा बड़ा लेते हैं, गैपिंग बड़ा बड़ा लेते हैं, तो ये वाला लाइन इधर सट जाता है और ये वाला लाइन इधर सट जाता है, तो वो छोटा बन जाता है थोड़ा, इसका अच्छा लगता है। देखिए इसी को हम इस पर बना के रखे हैं एक अगला क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन 3 है पिछला क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे गैपिंग छोटा छोटा है, तो ये भी ऐसे आया, और यहाँ पे देखिए गैपिंग कितना बड़ा बड़ा है, यहाँ वाला लाइन का इतना बड़ा गैपिंग है। चौथा क्वेश्चन है जो कि हमने बना के रखा हुआ था, सभी क्वेश्चन हमारे पास पहले से बना के हम रख दिए हैं। यहाँ से देखिए इसका गैपिंग साइज इतना है और इसमें गैपिंग साइज कितना है, देखिए गैपिंग साइज में अंतर है ना, तो सब गैपिंग साइज में अंतर रहता है कि कितना आप उसको साइज में बांट रहे हैं, उस अनुसार ही आपका फिगर बनेगा। इसमें भी देखिए ये फिगर सेम है, वही फिगर है, ये लंप हम डाल दिए हैं जो कि नहीं रहना चाहिए था, इसलिए हम ये फिगर ये वाला वीडियो कट कर दिए थे कि इसको दिखाना जरूरी नहीं है, बस इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, नहीं तो यही वीडियो बना के हम अपलोड करने वाले थे। तो इसमें हो गया था दिक्कत कि हमने लाइन पार दिया था, इसलिए नहीं किया। देखिए बाकी फिगर यही है, आप देख लीजिएगा प्रोसेस सेम वही है, ठीक। इसकी रचना हमने पहले से लिख के रख दिया है ताकि वीडियो लंबा न हो, ये रचना है, इसमें हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ से कह रहा है कि बी सी आधार मानकर 8 सेंटीमीटर की रेखा लिया, बी से सी हमने 8 सेंटीमीटर की एक रेखा लिया था, ठीक। उसके बाद दूसरा में है कि बी सी को समद्विभाजित करके 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए लिया, बी सी को हमने समद्विभाजित किया था ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ पे इसको समद्विभाजित करके यहाँ पे एक हमने बिंदु ले लिया था 4 सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर पे एक बिंदु ए ले लिया था। उसके बाद कह रहा है कि बी से एक रेखा बी एक्स खींचा तथा इसे 3 बराबर भागों में बांटा, जो कि बी वन बी टू और बी थ्री है। इस यहाँ से बी एक्स हमने एक रेखा लिया, उसको 3 बराबर भाग बी वन बी टू बी थ्री में बांट दिया। उसके बाद चौथा, बी टू को सी से मिलाया तथा बी टू सी के समानांतर बी थ्री सी डैस खींचा, बी टू को सी से मिलाए हैं और फिर बी थ्री बी टू सी के समानांतर बी थ्री सी वन खींचा, ठीक। उसके बाद रेखा बी ए को क्यू तथा बी सी को पी तक बढ़ाया, बी सी को पी और बी ए को क्यू, बी ए को क्यू तक बढ़ाए थे और बी सी को पी तक बढ़ाए थे, ठीक। उसके बाद ए सी को ए सी के समानांतर ए डैश सी डैश खींचा, ए सी के समानांतर ए डैश सी डैश खींचा, इसके समानांतर खींचा गया। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज ए बी सी ए डैश बी सी डैश प्राप्त हुआ, जो कि ऐसे भी लिख सकते हैं जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की 1.2 है, दुगुनी है, ऐसे भी लिख देंगे, हो जाएगा। ये रचना है आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और इसी अनुसार आप लिख सकते हैं। रचना अपने मन से लिखना होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी ये फिगर है, ये आपको अटपटा फिर कह रहे हैं, लग रहा होगा कि आपको कैसा फिगर है, नीचे का नहीं होता है त्रिभुज, ट्राइंगल ऊपर का ही देखना होता है, कहीं पहले का ट्राइंगल है और ये हमारा अब नया ट्राइंगल है। तो इतना दूर गैपिंग क्यों गया है, क्योंकि हमने इधर का गैपिंग छोटा लिया है, नहीं तो यही फिगर हमारा यहाँ पर है। ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन सही दोनों है, ठीक, कोई उसको गलत नहीं कर सकता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।